पावर आप तो से भी तो वही मशीन पानी लेगा। ओके, फर्स्ट प्रोग्राम होता है प्री वॉश। प्री वॉश क्या होता है, जैसे हम बर्तन धुल के रख देते हैं, हमें सिर्फ बर्तन को पानी से संभालना है विदाउट डिटर्जेंट। इसके अंदर का डिटर्जेंट डालना है ना, टैबलेट डालना है, सिर्फ पानी से ही खंगालना है। जैसे अभी कभी क्या है, एक बर्तन हम रख देते हैं धूल जैसा हो जाता है, तो हम यूज करने से पहले एक बार वॉश करते हैं ना, हैंड वॉश नॉर्मली, तो वैसे ही करने के लिए इसमें दिया है सिस्टम विदाउट हैवी सॉलिड। जो हमें प्लेट वगैरह है वही चीज़ यूज करना है, प्रेशर कुकर कढ़ाई वगैरह नहीं डालना। लाइट सॉलिड, जो सुबह नाश्ता किया हुआ बर्तन है, ऐसे बर्तन आप इसके अंदर रख सकते हैं। 30 मिनट का प्रोग्राम रहता है, इसके अंदर भी हैवी सॉलिड नहीं डालना है, और इसके अंदर ड्राई नहीं होगा ना, इसके अंदर ड्राई होगा। ओके, रेगुलरली आप ये यूज कर सकते हो, बट इसके अंदर टाइमिंग क्या है, 3 hours 42 minutes है, तो टाइमिंग ज़्यादा रहता है इसके अंदर। और इसके अंदर सब बर्तन आप रेगुलर के लिए आप ये वाला प्रोग्राम यूज कर सकते हो, अगर आप नहीं यूज करना है तो दूसरा भी मैं प्रोग्राम बता दूंगा। ओके, इसमें सभी बर्तन डाल सकते हो, जैसे हैवी सॉलिड बर्तन है वो भी डाल सकते हो, कांच के भी बर्तन डाल सकते हो साथ में, जैसे जैसे भी लोडिंग बताया मैंने वैसे लोड करके आप ये वाला प्रोग्राम यूज कर सकते हो। आता है इजी केयर। इजी केयर में जैसे अपने ग्लास हो गए, कांच के ग्लास हो गए, जो माइक्रो शेप बर्तन होते हैं ग्लास वगैरह, क्रॉकरी वगैरह, आप इजी केयर में वॉश कर सकते हो। स्टील के नहीं धुलेंगे इसमें? धुलते हैं, बट क्या है इजी केयर में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो माइक्रो शेप बर्तन होते हैं ना उनको क्या है ऑयली जैसा है वैसा बर्तन है, कांच के बर्तन है, टेम्परेचर पर वॉश होते हैं, प्रेशर कम रहेगा बट टेम्परेचर से वॉशिंग क्वालिटी अच्छा बेटर मिलता है, जो बैटरी वगैरह होता है उसके लिए ज़्यादा। ये तीनों ऑटो प्रोग्राम है, ऑटो मतलब जैसा बर्तन रहेगा उसके हिसाब से प्रोग्राम है। पहला आता है ऑटो डेलिकेट। ऑटो डेलिकेट में जो अपने हल्के बर्तन है ऑटो में अगर वॉश करना है, हल्के में मीन्स जैसे छोटी क्रॉकरी हो गई और अपने प्लेट हो गए, सुबह नाश्ता किया हुआ बर्तन हो गया, ऐसा बर्तन है तो हमें ऑटो डेलिकेट में डालना है। इसमें टेम्परेचर जो होता है 30 to 50 degrees Celsius तक रहता है। जैसा देखिए आप ज़्यादा गंदा बर्तन डालोगे तो टाइमिंग जो है ना 132 है, तो हल्का सा प्लस हो सकता है, 10-5 minutes प्लस होगा। अगर कम गंदा बर्तन रहेगा ना, 132 दिखा रहा है तो वन आवर भी लगेगा, एक घंटे में भी फिनिश हो जाएगा बर्तन के हिसाब से। हाँ, ये अप्रोक्सीमेटली टाइमिंग बता रहे हैं आपको ऑटो डेलिकेट के लिए। ऑटो नॉर्मल के लिए ए, आप रेगुलर के लिए आप यूज कर सकते हो। इसमें देखो इसके अंदर 100% ड्राई है। ओके, इसमें ऑटो डोर ओपनिंग का सिस्टम रहता है ना, इसमें है ना ऑटो डोर ओपनिंग का ऑटोमेटिक काम करता है। इनमें आपको सेट करना पड़ेगा, जैसे बर्तन ड्राई करेंगे ना उसके हिसाब से ऑटो डोर ओपनिंग होगा कि ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाएगा जब ड्राई हो जाए। हाँ, एंड हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाएगा। और ये वाला है ना रेगुलरली अगर यूज करोगे तो बेटर रहेगा। आप इसके अंदर हैवी बर्तन भी डाल सकते हो और अपने रेगुलर के लिए ये जो बर्तन यूज करते हो वो भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है ऑटो इंटेंसिव। सिर्फ इसमें प्रेशर कुकर हो गया, कढ़ाई हो गया जिसमें चाय बनाए, ऐसा बर्तन जिसमें चाय पकाते हैं, ऐसा सब बर्तन रखना है, ये वाले में रखना है सिर्फ। और दूसरा प्लेट वगैरह मत रखना, क्योंकि इसके जो टेम्परेचर है ना 60 to 70 degrees Celsius है, जो किसी प्रोग्राम के अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। तो कांच वगैरह बर्तन रखोगे ना, जैसे नॉर्मल कांच हो गया तो चिटक जाएगा, वो हीटिंग ज़्यादा होता है इसके अंदर, इसके अंदर नहीं डालेगा। ये आपसे हैवी बर्तन, हाँ हैवी बर्तन के लिए रहता है। हैवी और सब रेगुलर के बर्तन है ना, तो इसे आप इसके ये ऑटो बीच वाला कर सकते हो, ऑटो नॉर्मल। जैसे सुपर प्रोग्राम होता है ना तो सुपर का ये बीच वाला आपको करना। फिर उसके बाद यहाँ पे डिले का ऑप्शन आता है, जैसे आप 1 to 2 hours के बाद स्टार्ट करना है इसको, तो आप यहाँ से डिले लगा सकते हो 1 hour 2 hours करके आएगा, जितनी बार कर कि यहाँ से स्टार्ट करोगे ना तो उतने टाइम में चालू। सपोज जैसे देखो अभी हमें चालू बीच वाला करना था, हमने गलती से वाला करके स्टार्ट कर दिया, तो अब हम कितने चाहे ऑफ करें या कुछ ऑन करेंगे ना तुरंत, तो वहीं से ही स्टार्ट होगा जहाँ से हमने इसको ऑफ किया था। तो उसको यहाँ पे लिखा है रिसेट 3 seconds हमें इसको प्रेस करके रखना है, अब छोड़ देंगे। अभी नहीं चेंज कर पाए ये प्रोग्राम, जब ये फिनिश हो जाएगा ना तब हम चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम। तो ये ना टाइमिंग 30 मिनट तक ही मतलब बाउंस का, और वो 2 hours जितना दिखा रहा ना उस जैसे करते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया रिसेट करना पड़ेगा। कभी क्या है गलती से हम जल्दी जल्दी करते रहते हैं, चला जाता है।
देखो यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन में फर्स्ट पर हमें टैबलेट का आएगा, अगर हम टैबलेट लेके यहाँ सेलेक्ट करेंगे टाइम भी थोड़ा प्लस हो जाता है, सिक्स मिनट जितना प्लस हो गया इस प्रोग्राम में, हर एक प्रोग्राम में मतलब उसका टाइमिंग अलग अलग ही रहता है, किसी में 10 मिनट प्लस होता है, किसी में 5 मिनट, किसी में 6 मिनट, इस वाले में 6 मिनट प्लस हो जाता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से टैबलेट डाला तो हमें ना ये डालना है ना ये डालना है ना ये डालना, किसी भी प्रोग्राम में अगर टैबलेट हम यूज कर रहे हैं तो ऑप्शन फर्स्ट एक बार करना है, फिर उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट, फिर यहाँ से स्टार्ट, ओके। फिर उसके बाद आता है हाफ लोड फुल लोड का, सॉरी ऐसा ऐसा जो है जैसे ज़्यादा गंदा बर्तन है तो उसके लिए रहता है एक्स्ट्रा हाइजीनिक, मतलब ज़्यादा गंदा बर्तन है तो हमें टाइम प्लस करना है तो वॉश क्वालिटी और अच्छा मिलेगा, बट ऐसा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी इसमें, इसके लिए अच्छे से ही मिल जाएगा। फिर हाफ लोड और फुल लोड आता है, जैसे हमें ऊपर के बास्केट में बर्तन रखना है जैसे ए वाला, ठीक है, ए वाला तो अपना चमची वगैरह, अगर हमने ए वाले बर्तन रखा है इसमें तो हम ऊपर से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये वाला, अगर नीचे वाले में नहीं रखा है तो, अगर ऊपर वाले में नहीं रखा है नीचे वाले में रखा है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये हाफ लोड फुल लोड के लिए रहता है, अगर हमने दोनों में रखा है तो हमें कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है। ये इको मोड होता है जो सेविंग के लिए वर्क करता है, पावर सेविंग जैसा और अपना वाटर सेविंग, इसके लिए रहता है इको मोड। एक्स्ट्रा ड्राई के लिए रहता है, जैसे अगर ज़्यादा हमें ड्राई चाहिए इसके लिए रहता है। एक्स्ट्रा रिंसिंग के लिए, जैसे बर्तन में चिकास है या सब कुछ है तो रहता है, मतलब ज़्यादा बर्तन खंगालेगा पानी में खंगाल के देगा यहाँ से, ओके। कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट करना है ऑप्शन तो यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसका, अभी हमने कोई नहीं सिलेक्ट किया, सिर्फ हमने किया है टैबलेट, अगर हमें ये भी रिमूव करना है तो यहाँ से कर देंगे रिमूव, जब अभी ये ग्रीन कर रहा है फिर से सिलेक्ट करेंगे तो रिमूव हो गया, ओके। और खाती है, ओके।